अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं सफ़ीर रहमान वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट सफ़ीर रहमान। तो गाइस आज हम आपका भाई दोबारा आए यूट्यूब पर, लेकिन एक नए कंटेंट के साथ आया है। यार आपका भाई व्लॉग व्लॉग करता था, है ये भी व्लॉग चेंज नहीं है, लेकिन यार आज हम मिलेंगे एक यूट्यूबर से जिनका नाम आपने सुना होगा, वसीम सिद्दीकी। तो वसीम सिद्दीकी और मेरे को खास में रहने वाले DMG स्कूलिंग सिस्टम को तो जानते ही होंगे, जो कि बहुत एक मशहूर स्कूलिंग सिस्टम है। तो उसके वो प्रिंसिपल भी हैं और क्या कहते हैं समझने पूरा स्कूल सजना स्कूलिंग सिस्टम है सारा उनके हाथ में, और अदरवाइज उनके 3-4 चैनल्स भी हैं जिनका हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमें जैसे लिंक देने की ज़रूरत तो नहीं है, उनको ज़रूरत है हमारे लिंक देने की, क्योंकि माशाल्लाह भाई जो हैं बहुत बड़े आप कह सकते हैं खास के जो टॉप टेन अगर हम गिने चुने हुए यूट्यूब पर, टॉप टेन में उनका जो फर्स्ट नंबर पर उनका नाम आता है वो है वसीम सिद्दीकी। तो वेलकम टू द वसीम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वसीम भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, माशाल्लाह से नई एनर्जी आपने जो है वो मोटिवेशन नज़र आ रही है, और आप इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इनको भाई को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोज़ को जो है देखा करें आप लास्ट, ठीक है भाई? भाई वसीम भाई का आपने रिव्यू तो सुन लिया आप, कि वसीम भाई ने हमारी एक अपने से बंदे की थोड़ी सी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि उसके हम लाइक नहीं थे, तो अल्लाह ताला शायद किसी के दिल से अल्फाज निकलवा देता है। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि आज बड़े भाई हमारी थोड़ी सी इतनी अपने शख्स की तारीफ़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला भाई की जजाय खैर दे। वसीम भाई, स्कूलिंग सिस्टम में क्या क्या है, इसमें क्या खास ट्रेनिंग है या फिर कुछ अलग सिस्टम है क्या है? नहीं, इसमें ये बस स्कूल होता है हमारा DMG के नाम से, और DMG के जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल सिस्टम है, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे नेक्स्ट मीटअप करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपके कितने चैनल है? एक सवाल पहला छोटे सवाल करें, 2-3 इसके बाद गल मुकाते हैं पंजाबी बोलते हैं। इंटरव्यू जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर भी मेरा 3-4 चैनल, 3-4 चैनल है। जो आपका ब्लॉगिंग चैनल है उसका क्या नाम है, नाम बता रहे लोगों को? वसीम सिद्दीकी हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, और जो हमारा मेन फेमस चैनल है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है वो DMG क्रिकेटर्स के नाम से है, जिसका ये सिल्वर बटन भी जो है हमें मिला है यूट्यूब की तरफ से, बटन माशाल्लाह। सो दिस इज व्हाट यू नो आई वांटेड टू शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, मेरे को पैगाम देना चाहिए आखिर में हमारे व्यूअर्स को और हमारे यूट्यूबर्स को? यही पैगाम मैं दूंगा कि लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, मरने से पहले जो है अपने रब को राजी करना, दिस इज यू नो द मैसेज फ्रॉम। माशाल्लाह आपके चेहरे पे मिल के लगा कि आपके चेहरे में मुस्कुराहट है। कहते हैं जो बाहर से खुश होते हैं अंदर से उन्हें तकलीफ होती है, क्या ये कहना सही है या फिर आपके ऊपर या फिर गलत है? असल में तकलीफ जो है उसी को होगी जो अल्लाह की राह पर नहीं चलेगा, जो रब की राह पर चलेगा और अपने रब को राज़ी करने में लगा रहेगा, तो उसको तकलीफ़ जो है वो तकलीफ़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश लगेगी, और उसको भी जो है वो खुशी से फेस करेगा। सो तकलीफ़ जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पर हमारी ज़िंदगी में आती है, तो हमें जो है हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना हम शुक्र अदा करेंगे हमारी लाइफ उतनी बेहतर होती चली जाएगी। बहुत अच्छी बात थी। इस वक्त मौके पर मुझे एक बात याद आई कि कहते हैं कि जो जिंदा इंसान होते हैं ना उन पर आजमाइश आती है, मेरे को पर थोड़ी ना आया करती है आजमाइश। तो मेरे दोस्तों आपसे यही मेरी भी यही वो है बात करनी आपसे कि जब तक जिंदा है तो उन परेशानियों को फेस करें, बल्कि परेशानियों को परेशान कर दें, वो अल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह ताला वो परेशानियाँ दें जिनको हम परेशान करें। वो जिन्हें कहते हैं शेख आते हैं वो ज़िंदगी क्या जिसके अंदर मुश्किल ना हो, और वो ज़िंदगी क्या जिसमें सारे दोस्त मिल जाएँ, तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुश्किल भी दें उनके साथ आसानियाँ भी दें। वसीम भाई आप जो यूट्यूबर हैं छोटे हमारे साथ है, जैसे हम भी एक छोटे से हैं और हमारे दो तीन और यूट्यूबर्स हैं, अब इनको क्या पैगाम देंगे? वसीम के लिए यही पैगाम है कि बस मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो इनको नसीहत करेंगे आप इन यूट्यूबर्स को? बस यही मेरी नसीहत है कि मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में, कामयाबी के कदमों में। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, अल्लाह ताला को खुश रखें। थैंक यू।